मचा उत्पाद पोकलेन और ट्रक में लगाई आग। एमएलए विक्रम मंडावी काफिले पर हमले का मामला, नक्सलियों ने मामले में पेश की सफाई। राष्ट्रीय उद्यान में दिखा चौसिंगा, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही तस्वीरें। स्वामी आत्मानंद स्कूल में समर कैंप का आयोजन, विधायक रेख चंद्र जैन कार्यक्रम में पहुंचे। दूल्हे की गर्लफ्रेंड ने दूल्हा दुल्हन पर डाला एसिड, पुलिस ने किया दूल्हे की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। समय हो गया है छत्तीसगढ़ की खबरों से आप सभी को रूबरू कराने का। जगदलपुर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एक चौसिंगा दिखा है। अमूमन चौसिंगा भारत और नेपाल में पाया जाता है और दूसरी जगहों पर दिखना इसका दुर्लभ माना जाता है। चौसिंगा की फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रही है और राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार कैमरे में एक चौसिंगा कैद हुआ है। ये खूबसूरत और शर्मीला प्राणी माना जाता है और ये चौसिंगा है जो इस वक्त हम प्राइम टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब इसकी तस्वीरें भी तेजी से वायरल हो रही है और ये चौसिंगा जगदलपुर के राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। अमूमन ये माना जाता है कि ये काफी शर्मीली प्रवृत्ति का जानवर होता है, ऐसे में चौसिंगा का देखे जाना अब सभी के लिए कहीं ना कहीं ये जो उद्यान है वो आकर्षण का केंद्र बन गया है। बस्तर में नक्सलियों ने अबूझमाड़ बेचा गांव में जमकर उत्पात मचाया है। यहां कुछ नक्सलियों ने पोकलेन और ट्रक में आग लगा दी है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी निजी जमीन पर तालाब का निर्माण कर रहा था, जिसका विरोध कुछ नक्सलियों ने करते हुए उन्हें चेतावनी देते हुए जमीन खाली कराने की बात कही है। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। वहीं बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर हुए हमले को लेकर नक्सलियों ने सफाई पेश की है। नक्सलियों ने पश्चिम बस्तर डिवीजनल कमेटी की ओर से पर्चे जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि विधायक को टारगेट करके हमला नहीं किया गया था। यह हमला जनवरी से शुरू हुए टीसीओसी का हिस्सा था। करीब 5 दिन पहले नक्सलियों ने कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर हमला किया था और वो नुक्कड़ सभा कर वापस लौट रहे थे, तभी उनके काफिले को निशाना बनाकर जोरदार फायरिंग की गई थी। लेकिन नक्सलियों के हमले में फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं आई थी। करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, आज कितने करोड़ युवाओं को नौकरी मिला? नहीं मिला। लगातार झूठ के बुनियाद पर, झूठ के दम पर ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना जानते हैं, झूठ के दम पर ये शासन करना जानते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। खबर जगदलपुर से है, जहां स्वामी आत्मानंद स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में बच्चों ने कई कलाओं को प्रदर्शित किया और कैंप में विधायक रेख चंद्र जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा स्वामी आत्मानंद की अंग्रेजी शाखा खोलने का भी ऐलान किया है। इस कैंप में बच्चों ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया, जिसका आनंद आयोजन में बैठे कई लोगों ने लिया। समर कैंप लगाया गया और इस कैंप के माध्यम से बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने का काम हुआ है। विज्ञान मेला भी लगा, पुस्तक की मेला भी लगा, परीक्षा के परिणाम भी आए और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की हमारे विद्वान स्वामी आत्मानंद जी जिनकी सोच थी कि हमारे बस्तर का, हमारे छत्तीसगढ़।
खबर जगदलपुर से है, जहां एक शादी समारोह में हुए एसिड अटैक मामले में पुलिस ने दूल्हे की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती ने शादी कार्यक्रम के दौरान लाइट जाने पर दूल्हा दुल्हन पर एसिड डाल दिया। बता दें कि तेज हवा के साथ केमिकल और लोगों पर भी गिर गया और इस हादसे में दो बच्चों समेत कुल 11 लोग भी घायल हो गए थे। वही आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ घायलों का इलाज लगातार जारी है। जहाँ पर एक युवक युवती का विवाह समारोह था और इस विवाह समारोह के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने यहाँ एक एसिड जैसी केमिकल का उपयोग करके स्प्रिंकल कर दिया था, जिससे कि दूल्हा दुल्हन और शादी समारोह में शामिल हुए 8 से 10 लोग उसमें घायल हो गए थे। इस पूरी घटना पे थाना भानपुरी में 326 का भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। जब पूछताछ किया गया तो बताया, ऐसा जिन लोगों ने देखा था उन्होंने बताया कि वैसे तो अंधेरा था क्योंकि लाइट नहीं थी, लेकिन के बाद में क्या हो गया तो पीछे से कुछ डाल दिए तो पता ही नहीं चला क्या है, तो नहीं मिला सर। कितने लोग थे? मतलब बहुत लोग थे, लेकिन हम लोग माँ मैं भाभी और 3 जन थे हम लोग ना, बैठे थे मंडप में, तो इधर दुल्हन के वाले बाजू उधर वाले बैठे थे, तो दुल्हन भी उसको भी जलन हो गया, उसको भी पता नहीं, लेकिन नहीं देखे सर वो लोग को, हम लोग तुरंत डाले तो हम लोग को पूरा जलन हो गया था। हम लोग बोले कि नहीं कि मेरे को भी बहुत जला रहा है, शादी करूँ बोलूँ 7 साल में बात करते रहे हैं के ऐसू करें पर करें बोलूँ नहीं करें, तो शादी हो सगाई होली बोलू बोलू मक पता नहीं रहे, एक जन लेका सांग लो मक मिलुक बली लो फिर बल नहीं सांगे आप लोग माड़ बस नहीं दी, फिर बल मिल लोग गए लो मतलब मक पैसा मांग रहे 1500 हूँ जो जगह 5000 आनंद देते रहे मैंने, मतलब उतर कितवास बोल गन बल नहीं देखे मैं, मतलब फिर हूँ पैसा तू ही किधर रहा मैं का बनावाए तो काम ही हुआ बोल ले, तो नहीं छाण उन पर आत का जो रहे किलो बराबर। जगदलपुर में रेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स के भवन में एक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में रेल सुविधाओं को बढ़ाने की मांग को लेकर 9 मई को बस्तर बंद करने का ऐलान किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर रेलवे द्वारा उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। बता दें कि 1 साल पहले अंतागढ़ से जगदलपुर तक 142 किलोमीटर लंबे पदयात्रा कर लोगों ने रेल लाइन बनाने की मांग की थी और कई बार अफसरों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर ये मांग भी की गई थी, पर अब तक इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। सभी हमारे माता पिता भाई बहन जितने जो आज यहाँ पर यहाँ के रहवासी हैं उन लोग को इस मूल सुविधा से अछूता रहना पड़ रहा है। इस सब बातों को देखते हुए लगातार चरणबद्ध आंदोलन हमारे द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सभी समाज संघ संगठन इसमें अपना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में और हम लोग सभी एक जन जागरण के माध्यम से यह चाहते हैं कि यहाँ की जो एक बहुप्रतीक्षित 50 सालों से लंबित मांग है वो पूर्ण हो। उस मांग को लेकर लगातार चरणबद्ध आंदोलन पिछले साल से 175 किलोमीटर की पदयात्रा हो या हमको यहाँ पर रेलवे का जो जगदलपुर में एसडीएम ने अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर स्वच्छता की पहल की है, जिसके तहत सरकारी कॉलोनी में रहने वाले सभी कर्मचारियों ने स्वच्छता और फिटनेस को लेकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी की है। वहीं इस अभियान के तहत मुख्यालय के आसपास गंदगी और अस्त व्यस्त कूड़े कचरे को साफ करने की भी बात कही गई है। स्वच्छता को लेकर अधिकारी कर्मचारी एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा के साथ मुख्यालय को स्वच्छ रखने का संकल्प भी लिया गया है। सभी कर्मचारी अधिकारी सदस्य रहेंगे और सबके सहयोग से हमने 5 मानबिंदु तय किया हुआ है, खेल शिक्षा स्वास्थ्य योग सांस्कृतिक कार्यक्रम और पर्यावरण, तो इन सभी विषयों पर थोड़ा थोड़ा अपना श्रमदान करते हुए प्रति सप्ताह रविवार को सभी एक जगह एकत्रित होंगे और श्रमदान के माध्यम से कार्य करेंगे। मैं सभी कर्मचारी अधिकारी सदस्य रहेंगे और सबके सहयोग से हमने 5 मानबिंदु तय किया हुआ है, खेल शिक्षा स्वास्थ्य योग सांस्कृतिक कार्यक्रम और पर्यावरण, तो इन सभी विषयों पर
थोड़ा थोड़ा अपना श्रमदान करते हुए प्रति सप्ताह रविवार को सभी एक जगह एकत्रित होंगे और श्रमदान के माध्यम से कार्य करेंगे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान नेलनार एरिया कमेटी में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए नक्सली सड़क अवरुद्ध हत्या, आगजनी और IED विस्फोट करने की घटना में शामिल रहे हैं। पकड़े गए 3 आरोपियों के नाम कट्टा राम उर्फ संदीप, कौराम शंकर दर्रो और सीताराम सोरी बताया जा रहा है। जिन्होंने अपना नाम संदीप कोराम शंकर दर्रो और सीताराम सोरी होना बताया गया, जिनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि ये नेलनार एरिया कमेटी के सक्रिय माओवादी जनमिलिशिया सदस्य एवं अध्यक्ष हैं। जिनसे क्षेत्र की वारदात के संबंध में पूछताछ करने पर जो है मामले के संदेही संदीप कोराम ने बताया कि मार्च 2023 में जो है इसके द्वारा माओवादियों के साथ मिलकर ओरछा एवं धनोरा के मध्य जो है 2 बार पेड़ काट कर जो है मुख्य मार्ग को अवरुद्ध करने की घटना में शामिल होना स्वीकार किया गया है एवं अन्य संदेही शंकर दर्रो एवं जगदलपुर में नगर निगम क्षेत्र के विजय वार्ड स्थित ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर में भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी के वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ हुआ है, जिसमें शंकर की बारात ने नगर का भ्रमण किया है। बता दें कि जिसका स्वागत विधायक कार्यालय के समक्ष संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेख चंद्र जैन ने किया और साथ ही उन्होंने रथ पर सवार शिव पार्वती का आशीर्वाद लेकर बारात यात्रा का स्वागत किया है। खबर जगदलपुर से है, जहां नगरनार के 3 स्कूली बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद संसदीय सचिव और विधायक जगदलपुर रेख चंद्र जैन ने ब्लॉक के नगरनार पहुंचकर 3 पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए का चेक सौंपा और परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन दुख की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपके साथ है। बच्चे अपने परिजनों को दुख देकर गए हैं। इस दुखद घड़ी में ईश्वर से परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की भी कामना करता हूं। तो जगदलपुर में को विधायक ने 12 लाख की आर्थिक मदद दी है, क्योंकि बीते दिनों इन 3 ही परिवार के बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद विधायक ने इन परिवारों के लोगों से जाकर मुलाकात की और शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की और साथ ही साथ ये भी कहा है कि दुख की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार इन सभी परिजनों के साथ है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।